हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलोक फ्रॉम GCS। कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर हिस्ट्री सेक्शन। फर्स्ट वी विल स्टडी चैप्टर 11, व्हेन, वेयर एंड हाउ। लेट मी सी चैप्टर 11, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसका मीनिंग तो आपको क्लियर होगा, कब, कहाँ और कैसे। लेकिन ये क्वेश्चनिंग किस चीज़ के बारे में हो रही है, किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि कब, कहाँ, कैसे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में भी कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में जो रूलर्स हैं वो कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, उस चीज़ का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? व्हेन, वेयर एंड हाउ। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एंशियंट पीरियड मींस प्राचीन भारत, मिडिवल पीरियड मींस इंडियन हिस्ट्री का जो बीच वाला पीरियड है, मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न पीरियड जो अभी चल रहा है हमारा, मींस आधुनिक भारत। अब इनको किन बेसिस पे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जो सोशल चेंज हुए इंडिया में, जो पॉलिटिकल चेंज हुए, जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज हुए, और जो हमारे आइडियाज़ और बिलीफ हैं, मीन्स हमारे जो विचार हैं उनमें चेंजेस हुए, उस बेसिस पे इन पीरियड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब हम बात करें जो एंशियंट पीरियड है उसकी टाइमिंग क्या है। तो जो 8th सेंचुरी के पहले वाला पीरियड है, मीन्स 8वीं शताब्दी के पहले वाला पीरियड है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंशियंट पीरियड। और 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी का तक जो पीरियड है उसे हम क्या बोलेंगे? मिडिवल पीरियड। और 18th सेंचुरी के बाद से अभी तक जो पीरियड चल रहा है, मींस हमारा क्या आ गया अभी 2020, तो यहाँ तक का जो पीरियड है इसे क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियड। इस क्लास में हम मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। अब जो मिडिवल पीरियड है उसे 2 फेजेस में डिवाइड किया है हिस्टोरियंस ने। मिडिवल पीरियड में एक अर्ली मिडिवल पीरियड रखा गया है और एक लेटर मिडिवल पीरियड, ओके। अर्ली मिडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक है, और लेटर मिडिवल पीरियड 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। अब जो अर्ली मिडिवल पीरियड है उसमें काफ़ी सारे, मतलब जो किंगडम्स हैं, रीजनल किंगडम्स, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनमें क्या चेंजेस हुए और कैसे। और जो हमारा बाद वाला पीरियड है, लेटर मिडिवल पीरियड, इसमें हम देखेंगे कि जो तुर्किश आए, अफगान्स आए, मुगल्स आए, और अदर जो रीजनल किंगडम है उनमें क्या चेंजेस हुए, कि उनकी क्या पावर्स वगैरह रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 7th सेंचुरी में एक किंग थे, हर्षवर्धन। 7th सेंचुरी में 646 CE में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो छोटे छोटे कई सारे किंगडम्स में डिवाइड हो गया, ओके। मतलब कई राजपूत किंगडम्स थे जो अपने अपने जो रीजन है उस पर राज करने लगे, और वो आपस में लड़ते भी थे एक दूसरे से कि हमारे पास ज़्यादा लैंड आ जाए, हमारे पास ज़्यादा एरिया आ जाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इनकी लैक ऑफ यूनिटी थी, मींस इनमें जो एकता नहीं थी, उसकी वजह से जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, मींस मुस्लिम आक्रमणकारी, उनको फ़ायदा मिला। और इस पीरियड में कई सारे आक्रमण होने लगे इंडिया के ऊपर। अब इसमें क्या हुआ कि एक था महमूद ऑफ गजनी और एक था मोहम्मद ऑफ गौरी, उन्होंने इंडिया को लूटा और इंडिया पर आक्रमण कर दिया, और इसी से इस्लाम का आगमन हुआ, और यहीं से हमारा जो मिडिवल पीरियड है उसकी बिगिनिंग हुई। 13th सेंचुरी की अगर बात करें बिगिनिंग में, तो इंडिया पर तुर्किश और अफगान सुल्तान्स का रूल था, मीन्स तुर्किश और अफगान से जो सुल्तान आए थे उन्होंने राज किया। ये सुल्तान जो थे वो दिल्ली से अपना शासन करते थे, ओके। अगर मिडिवल हिस्ट्री में हम बात करें तो इस फेज को क्या बोला जाता है? सल्तनत पीरियड, मीन्स जो तुर्किश और अफगान का 13th सेंचुरी की बिगिनिंग में रूल था उसे क्या बोलते हैं हम? सल्तनत पीरियड। 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि मुगल्स आए और उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनको रिप्लेस किया, मीन्स उनको हटा दिया। इन मुगल्स ने इंडिया में बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मीन्स बहुत ही बड़ा राज्य स्थापित किया। इन्होंने नया राज्य करने का, शासन करने का नया तरीका भी इंट्रोड्यूस किया, साथ में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी किए। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो मुगल्स पीरियड में ये इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई थी।
और जो मुगल्स थे 18th सेंचुरी में इनका डिक्लाइन हो गया, मीन्स मुगल्स जो है 18th सेंचुरी में इनकी जो पावर थी वो कमज़ोर पड़ने लगी, और इनके जाने के बाद जो इंडिया है वो फिर से छोटे छोटे रीजनल किंगडम में बट गया, मीन्स छोटे छोटे कई राज बन गए। नाउ वी सी मेजर डेवलपमेंट, मीन्स मिडिवल पीरियड में क्या मेजर डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए। तो अगर हम बात करें मिडिवल पीरियड आने के टाइम इंडिया में रिलीजियस फील्ड में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, सोशल फील्ड्स में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमिक फील्ड्स में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। हम पहले बात करते हैं रिलीजियस फील्ड में, तो रिलीजियस फील्ड में क्या चेंजेस हुए कि जो हिंदुइज्म है और इस्लाम है दोनों का एक ही नेचर है, तो इसने इंडिया को एक न्यू फ्रेम दिया, एक नया रूप दिया। अब जो हिंदू एंड मुस्लिम फिलोसफर थे, मीन्स जैसे हिंदू फिलोसफर लाइक साधु और संत वगैरह थे, और मुस्लिम फिलोसफर में जो फकीर थे, ओके, उनसे जो इंडिया के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो यहाँ पर इंडिया में एक भक्ति का माहौल बन गया और काफ़ी सूफी मूवमेंट्स होने लगे। तो इसमें एक इंडिया में मेजर रिफॉर्म देखा गया, ओके। अब अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, मीन्स जो कला का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। डिस्टिंक्टिव स्टाइल मीन्स विशिष्ट शैली, आप लोगों ने देखा होगा नक्काशी पुरानी जो फोर्ट्स में किले वगैरह में होती है वो यहाँ पे ही डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी, कई सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हुई, ओके। जिससे क्या हुआ कि जो मिडिवल इंडिया है मीन्स मध्यकालीन भारत है उसकी शान जो है और उसकी जो भव्यता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एक न्यू कल्चर आ गया था, इंडो इस्लामिक कल्चर, ओके। इंडिया में आपने देखा होगा कि कई नई लैंग्वेजेस भी आ गई, काफ़ी सारी लैंग्वेज पहले से बोली जाती हैं तो वो भी इसी टाइम पे डेवलप हुई हैं। अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज जो है वो इनमें से मुख्य है। अब हम बात करें मुस्लिम के आगमन होने के साथ साथ कई सारे जो फूड्स हैं वो भी डेवलप हुए, ओके। मीन्स जो मुस्लिम आए वो कई टाइप्स के फूड्स भी लाए, जैसे बिरयानी, पुलाव, फिरनी, कोरमा, जिसके आप हम आज नाम सुनते हैं, तो ये मुस्लिम्स के साथ ही आए। कई सारे कॉस्ट्यूम्स भी आए लाइक चूड़ीदार, कुर्ता पजामा एंड शेरवानी एसेट्रा। मिडिवल पीरियड में अगर हम बात करें तो इंडिया का फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी कांटेक्ट होने लगा, लाइक हम ट्रेड रिलेशन हो गया हमारे साथ, हम अरब के साथ ट्रेड करते थे, चाइनीज के साथ ट्रेड करते थे, तुर्कीज के साथ ट्रेड करते थे और मंगोल्स के साथ ट्रेड करते थे। नाउ वी सी न्यू टर्म्स फॉर इंडिया, मीन्स इंडिया के क्या क्या नाम थे और कौन किस नाम से इंडिया को बुलाता था। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की, मीन्स प्राचीन भारत की, तो इसका नाम था आर्यवर्त, लैंड ऑफ आर्यंस मीन्स आर्यंस की भूमि। उसके बाद जो बुद्धिस्ट थे वो इसको जम्बू द्वीप बुलाते थे, जिसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्रीज मीन्स गुलाब और सेब के पेड़ों की भूमि। उसके बाद इसे भारतवर्ष बुलाया जाने लगा, ओके। उसके बाद जो ग्रीक थे वो इसे इंड बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी बहती है जिसे इंडस रिवर बोला जाता है, उसके बेस पे ग्रीक लोगों ने नाम रख दिया इंड। उसके बाद चाइनीज पीपल इसको यिन टू और टीन चू बुलाने लगे, ओके, जिसका मीनिंग होता है स्वर्ग जैसा राज्य। उसके बाद अरब आए 8th और 19th सेंचुरी में, उन्होंने इसे हिंद बोला। उसके बाद तुर्क और अफगान जब पावर में आए उन्होंने इसे हिंदुस्तान बोला और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदूस। अब ये जो टर्म है इंडिया में, मतलब इंडिया के लिए नामों के लिए अप्लाई किए गए। अब जय हिंद जो हम वर्ड सुनते हैं ये किसने दिया था, मेजर आबिद हसन सफरानी, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में थे, उन्होंने क्या नाम दिया इंडिया को, जय हिंद। इसका शॉर्टन वर्जन जो है वो क्या है, जय हिंदुस्तान की, जो कि कई स्पीचेस भी आज हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। लेट वी सी सोर्सेज ऑफ मिडिवल पीरियड, मीन्स मिडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री है वो हमें किन सोर्सेज से पता चली है इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। अब जो ये सोर्सेज हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या इंक्लूड होता है, जो बिल्डिंग्स हैं पुराने टाइम की, मॉन्यूमेंट्स हैं या पॉटरी है, वीपन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं या अदर जो एंटिक चीज़ें हैं जिनसे हमें मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है, उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कॉइन्स,
क्वाइंस जो हैं वो हमें बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक उस टाइम की राजनीति कंडीशन क्या थी, मीन्स पॉलिटी क्या थी, उस टाइम की इकोनॉमी क्या थी, मीन्स अर्थव्यवस्था क्या थी, ये सारी चीज़ें हमें कॉइंस में मिलती हैं। अब कॉइंस में जनरली लिखा क्या हुआ होता था, तो जो किंग है या फिर किंगडम है उनके नेम लिखे हुए थे, और इशू ऑफ डेट मीन्स कब वो इशू हुए हैं ये लिखा हुआ होता था, टाइटल्स लिखे हुए होते थे, जो किंग्स हैं उनकी पोर्ट्रेट मीन्स उनका चित्र बना हुआ होता था। अभी हमें बताते क्या थे, तो जो कॉइन्स हैं उनके थ्रू हमें पता चलता था कि उस टाइम की कला क्या थी, मीन्स आर्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, और सबसे मैचिस ट्रेड मीन्स वहाँ का व्यापार कैसा था, क्योंकि हम कॉइन्स के थ्रू ही व्यापार करते हैं। अब मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो जो उस टाइम के इम्पोर्टेंट रूरल थे लगभग सभी ने कॉइन्स इशू किए हैं, अपने अपने कॉइन्स सभी अलग अलग चलाते थे। कॉइन्स जो होते थे वो तो डिफरेंट मेटल के बने होते थे, लाइक गोल्ड, सिल्वर या फिर पीतल, तांबा। अब इनमें जो मेन कॉइन्स थे वो थे जीतल, टका और रुपया। रुपीज़ हमारी जो कंट्री है वो रुपया के थ्रू ही बनी है। तो कौन कौन से कॉइन्स चलते थे उस टाइम, जीतल, टका और रुपया। अब जो कॉइन्स जो हैं इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि जो वेरियस रूरल्स थे उनके अदर एम्पायर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप थे। मीन्स जैसे जो रोमन है वहाँ पे जो कॉइन चलता था वो इंडिया में बना हुआ था, मीन्स इंडिया से उसकी खोज हुई थी। तो ये हमें बताता है कि इंडिया का जो रोमन एम्पायर है उसके साथ कैसा रिलेशन था। अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स की। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में पेंटिंग और स्कल्पचर्स की बात करें तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है उस टाइम का, जैसे कि लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, उनके कस्टम मीन्स रीति रिवाज कैसे थे, ड्रेसेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स पढ़ते थे उस टाइम की उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली है हमें जो कि साइज में बहुत ही छोटी होती थी और बहुत ही सुंदर वाटर कलर के थ्रू उनको पेंट किया हुआ होता था, उन्हें हम क्या नाम दिया हमने, मिनिएचर पेंटिंग्स। ऐसे ही एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिली है नटराज की, मीन्स शिव जी की डांस करते हुए, डांसिंग शिवा की जो मूर्ति है वो मिली है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ऐसे कई सारे भी और स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, वो लकड़ी के बने हुए हैं या पत्थर के बने हुए हैं, जिसमें गॉड और गॉडेस को या क्वींस और किंग्स को दिखाया हुआ है। अब हम बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स की। तो अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो इस टाइम पे कई सारे मॉन्यूमेंट्स और कई सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जैसे कि आपने कई सारे नाम भी सुने होंगे, ताजमहल, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, हुमायूं टॉम, अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार, बृहदेश्वर टेम्पल, जामा मस्जिद। अब अगर हम बात करें 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी की, तो इसमें जो रीजनल किंगडम थे मीन्स जो राजपूत रूरल्स थे उनके द्वारा कई सारे टेम्पल्स भी बनाए गए, जैसे राष्ट्रकूट किंगडम था, गुर्जर प्रतिहार किंगडम था, पाला रूलर्स थे, राजपूत रूलर ऑफ राजस्थान थे, रूलर ऑफ गुजरात थे या फिर उड़ीसा के रूलर थे, उन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनवाए। अब जो मुगल्स हैं उन्होंने न्यू टेक्निक डेवलप की आर्किटेक्चर की फील्ड में। इनके जो इन्होंने मटेरियल यूज़ किया उससे हमें आइडिया आया क्राफ्टमैनशिप का, मीन्स शिल्प कौशल, जो पत्थर पे वो लोग हाथ से कारीगरी करते थे, और माइनिंग का आइडिया भी इन्हीं के थ्रू आया। नाउ वी सी इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स होते क्या हैं, तो स्टोन्स की सरफेस पे या जो कॉपर प्लेट, तांबे की प्लेट जो होती है उसकी सरफेस पे, टेम्पल की वॉल्स पे या जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनकी वॉल्स पे जो खुदाई करके कुछ लिख दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, हिंदी में से शिलालेख भी बोलते हैं। तो मिडिवल पीरियड के कई सारे इंस्क्रिप्शन आज भी मौजूद हैं और वो हमें मिडिवल पीरियड के किंग्स जो हैं या किंगडम जो है उसके बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। साउथ इंडिया से जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो किस लिए होते थे, जनरली किसी राजा द्वारा कोई जो घोषणा हुई है या आदेश दिया गया है वो उस पर लिखा हुआ होता था, या जो टेम्पल्स हैं उनके लिए गिफ्ट होता था वो, या वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल मैन है मीन्स जो पढ़े लिखे आदमी उनके लिए गिफ्ट होता था। और जनरली जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं साउथ इंडिया से वो जो कॉपर प्लेट पे होते थे या टेम्पल्स की वॉल पर होते थे।
अभी हम पढ़ रहे थे सोर्सेस ऑफ मिडिवल पीरियड, जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप सोर्सेस का, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, लिटरेरी सोर्सेस की। तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें चीज़ें काफ़ी डिटेल में मिली। तो इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर, एक अलग फीचर है। सबसे पहले क्या होता था 13वीं सेंचुरी के पहले, कि जो राइटिंग है वो पाम और बर्च लीव्स पे होती थी। मींस एक प्रकार के ये पेड़ हैं, उनके जिनके पत्ते काफ़ी बड़े होते थे, तो उन पेड़ों के पत्तों पे राइटिंग की जाती थी। 13वीं सेंचुरी के बाद से क्या हो गया कि पेपर का यूज़ चालू हो गया, मींस लोग पेपर पर लिखने लगे, और इस टाइम पे कई सारी बुक्स भी लिखी जाने लगी। अब इन बुक्स में क्या होता था, या तो ये क्रॉनिक्स होते थे, या बायोग्राफीज होती थी, या फरमान होते थे। क्रॉनिकल्स मीन्स इवेंट बाय इवेंट जो चीज़ें हो रही हैं, बायोग्राफीज मीन्स लोगों के जीवन से जुड़ी कहानियाँ, और फरमान्स मीन्स जो राजा लोग आदेश देते थे वो पेपर पर लिखे जाने लगे। कई सारे फॉरेन ट्रेवलर भी आए और उन्होंने यहाँ आकर क्या क्या देखा वो भी इन बुक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, ये बुक्स जो हैं ये तुर्किश, अरेबिक और पर्सियंस जो ट्रेवलर आए उनने लिखी हुई हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रूलर्स हैं उस टाइम के, उनकी डिटेल्ड अकाउंट मिलता था, मीन्स उनने क्या किया, कब किया, कब गद्दी पे बैठे, कब उनकी डेथ हुई, और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हैं बुक्स में उस टाइम, क्योंकि राइटिंग जो है वो पेपर पर स्टार्ट हो गई। अब हम लिटरेरी में बात करते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ की। तो जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, मीन्स खुद के जीवन पे लिखी हुई किताब, तो बाबर और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, जो कि मुगल रूल के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। अब हम बात करते हैं बायोग्राफीज और क्रॉनिकल्स की। तो जो राजा होते थे या उनके दरबार में जो कवि वगैरह होते थे और अदर स्कॉलर पढ़े लिखे लोग होते थे, तो वो हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ लिखते थे। और इससे हमें हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स पता चलता है, मीन्स इससे हमें काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जैसे उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी उस टाइम की कैसी थी। अब मैन हम जो उस टाइम की बुक्स वगैरह हैं, क्रॉनिकल्स हैं, ऑटोबायोग्राफी हैं, बायोग्राफी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक कलानास थे, उन्होंने लिखी थी रजत रंगिनी, जो कि मिडिवल कश्मीर के बारे में बताती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। एक कवि थे चंद्रबरदे, इन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासू, जो कि राजपूत रूरल पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है। जियाउद्दीन बरानी, इसने लिखी तारीख ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो ने लिखी तुगलकनामा, और एक और लिखी है उन्होंने खैज़ैन उल फुतह। फरिश्ता ने लिखी है तारीख ए फरिश्ता, जो कि दिल्ली सल्तनत जो है उसके बारे में हमें बताते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, 13वीं सेंचुरी से लेके 15वीं सेंचुरी की हिस्ट्री के बारे में। बाबर ने लिखी बाबरनामा, जो कि बाबर के टाइम की हिस्ट्री हमें बताती है। गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं के शासन के बारे में बताती है। अबुल फैजी ने लिखी एन ए अकबरी और अकबर नामा, जो कि अकबर के शासन काल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देती है। मेमोरीज ऑफ जहांगीर एक और ये बुक है, इसके ऑथर हमें नहीं पता कौन है। ओके, उसके बाद बदोनीस ने लिखी मुंतकब उल त्वारिक। अमीर खुसरो ने एक और बुक लिखी जिसमें तुगलकनामा किरान अस सैदैन है। ठीक है, ये सब हमें मुगल शासन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताते हैं। एक अब्दुल हमीद लाहौरी थे, उन्होंने लिखी पदशाहनामा, जो कि शाहजहां के शासन के बारे में बताते हैं। ऐसे एक इनायत खान है, उन्होंने लिखी शाहजहांनामा। ओके, और आलमगीरनामा जे मोहम्मद काजिम ने लिखी। तो इस टाइम के जो औरंगजेब शाहनामा है, मुगल के जब मिडिवल पीरियड का एंड होने लगा उस टाइम के बारे में हमें इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री बताती है। अब हम बात करते हैं फॉरेन लिटरेचर की, लिटरेरी में ही। तो फॉरेन लिटरेचर जो है उससे भी हमें इंडिया के बारे में कई सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि कई सारे ट्रेवलर्स हैं जो बाहर से इंडिया घूमने आए और उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। जैसे एक मुस्लिम ट्रेवलर थे अल बिरूनी, ये 11वीं सेंचुरी में इंडिया आए और महमूद गजनी की रिक्वेस्ट पे किताब
अल हिंद लिखी, ठीक है, एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब अल हिंद। एक और मोरक्कन ट्रेवलर थे इब्न बतूता, क्या नाम था इनका, इब्न बतूता। ये मोहम्मद तुगलक के टाइम इंडिया आए और उन्होंने अपनी जो ट्रेवल हिस्ट्री है उसको लिखा एक बुक में जिसका नाम था रेहला। अदर ट्रेवलर भी आए जैसे इटली के मार्को पोलो ने 13 सेंचुरी में साउथ इंडिया विजिट किया था, उन्होंने उसके बारे में लिखा है। अब्दुल रज्जाक, पर्सिया के अब्दुल रज्जाक ने भी 15 सेंचुरी में साउथ इंडिया विजिट किया था, उन्होंने कुछ लिखा। सर थॉमस रो इंग्लैंड के, ये भी इंडिया आए। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस के थे, ये भी इंडिया आए। ये दोनों 17th सेंचुरी में आए थे, मीन्स 17वीं शताब्दी में आए थे। तो ऐसे फॉरेन लिटरेचर से भी हमें इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, और ये जितनी भी लिटरेरी है उससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम पे जो इंडिया का कल्चर था वो फ्लोरिश हो रहा था, मीन्स निखर रहा था, फल फूल रहा था। चलिए इस चैप्टर की हम फिर से बात कर लेते हैं। इस चैप्टर हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा, मीन्स इंडिया के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, न्यू टर्म्स फॉर इंडिया, सोर्सेस ऑफ मिडिवल पीरियड, मीन्स ऐसे क्या सोर्सेस हैं जो हमें मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इसमें हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। अब जो इसमें सेल्फ इवेल्यूशन है, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, ये सब आपको खुद से करने हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो एंड योर बुक। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।